जरूर दूजा सजन बनाता जे जाके ते दूजा खुदा ही कोई नहीं ते दूजा मोहम्मद बनावे के हरा सुभान अल्लाह जे जाके ते दूजा खुदा ही कोई नहीं ते दूजा मोहम्मद बनावे केहड़ा। ये आकार ये सलात व सलाम की मुबारक महफिल है। इस महफिल में नूर भी है, इस महफिल में कैफ भी है, इस महफिल में सुरूर भी है, इस महफिल में गदास भी है, बल्कि इस महफिल में अल्लाह के नूर का जमाल भी है। नारे तकबीर अल्लाह, नारे रिसालत अल्लाह, नारे हैदरी, बल्कि इस महफिल में अल्लाह के नूर का जमाल भी है। क्योंकि रब तआला फरमाता है, ऐ महबूब, अगर मैं तुझे न भेजता, अगर मैं तुझे इस दुनिया में तख्लीक न करता तो ये कायनात, ये चांद सितारे किसी चीज की भी तख्लीक न फरमाता। इसीलिए रब तआला अरशाद फरमाता है, लौला का लमा खलक्तुल अर्द वस्समा, ऐ महबूब, अगर मैं तुझे पैदा न करता तो जमीन व आसमान को भी पैदा न करता। रब तआला ने फिर दूसरे मकाम पे अरशाद फरमाया, लौला का लमा खलक्तुल बर्र वल बहर, ऐ महबूब, अगर मैं तुझे पैदा न करता तो खुश्क सर को भी पैदा ना करता। रब तआला ने फिर अरशाद फरमाया, लौला का लमा खलक्तुल अक्लाक, ऐ महबूब, अगर मैं तुझे पैदा ना करता तो अक्लाक को भी पैदा ना करता। बल्कि मेरे भाइयों, रब तआला ने तो ये तक अरशाद फरमा दिया, लौला का लमा अजहर तो रबूबिया, ऐ महबूब, अगर मैं तुझे पैदा ना करता तो अपना रब होना जाहिर ना करता। महबूब, अगर मैं तुझे पैदा न करता तो अपना रब होना भी जाहिर न करता। इसलिए शायर कहता कि खुदा भी बच न सका मोहब्बत के तकाजों से। आपको सुभान अल्लाह, खुदा भी बच न सका मोहब्बत के तकाजों से, एक महबूब की खातर सारी दुनिया बना डाली, एक महबूब की खातर सारी दुनिया बना डाली। अब मैं हमारे जयपुर से आए मेहमान जनाब मोहतरम